कथा साहित्य का जो आपका, हाँ, कथा साहित्य का जो आपका पेपर है, इसमें हिंदी 4 जो कथा साहित्य का पेपर है, इसमें 8 कहानियां लगाई गई है, और इन 8 कहानियों के लिए हमारे पास 2 क्लास का वक्त है, यानी कि इन कहानियों पर हम आज बात करेंगे और कल की कक्षा में बात करेंगे। तो एक कहानी है, पहली, उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दूसरी कहानी है आकाश द्वीप, जयशंकर प्रसाद। तीसरी कहानी है कफन, प्रेमचंद। चौथी कहानी है परमात्मा का कुत्ता। तो इन 4 कहानियों पर हम 1 घंटे में आज बात करेंगे। तो आज सबसे पहले हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी, उसने कहा था, से अपनी बातचीत शुरू करेंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी कि सबसे उम्रदराज कहानी उसने कहा था को साल 2004 में, 2014 में 100 साल हुए, और यह प्रेम कहानी आज भी हमारे यहाँ कक्षाओं में पढ़ाई जाती है। और इसकी खास बात यह है कि इसका जो पूरा मंजर है, इसका जो पूरा माहौल है। अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रही है संतिल जी? हाँ जी, ठीक से आ रही। अभी ठीक से नहीं आ रही है? हाँ जी, अभी ठीक से आ रही है। आ रही है तो जारी रहे। तो हेलो, हम अपने व्याख्यान को जारी रखें? ठीक से आवाज आ रही है ना? ठीक से आवाज आ रही है जी। ठीक है। तो उसने कहा था जो कहानी है, इस पर हम आज बात कर रहे हैं। नहीं जी, वॉइस ब्रेक हो रहा है। वॉइस ब्रेक हो रहा है, लेकिन बाकी लोगों को तो ठीक सुनाई दे रहा है। आपके यहाँ नेट की कुछ समस्या होगी। ठीक है सौरभ जी। यस सौरभ जी, आपको आवाज ठीक से आ रही है? सर, अच्छा, शांति सुब्रमण्यम, हाँ जी, नव आ आपको रहा आवाज, है जी। आपको ठीक से आ रही है? हाँ, आ रहा है ठीक है। पूजा मुरली, जी सर। आपको आवाज ठीक से आ रही है? हाँ ठीक से आ रही है सर, ठीक से आ रही है। ओके। काव्या, आप बताइए। यस सर, ऑडियो इज सो क्लियर। ओके ओके, ठीक है। यस तो हम आगे बातचीत जारी रखते हैं। आज 1 ही घंटे में 4 कहानी हमें कवर करना है। 15 मिनट का समय मिल रहा है हमें एक कहानी पर। 4:09 हो चुका है, तो इसलिए हम ज्यादा इधर उधर की बातचीत में समय नहीं लगा सकते। कम समय है। जिनको ऑडियो में दिक्कत हो, वो बाद में जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो सुन लीजिएगा, तो आपको मदद मिलेगी। ये कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सिर्फ 3 कहानियां लिखी, लेकिन इस कहानी की इतनी चर्चा हुई कि कहानी के इतिहास में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम आज भी बार बार लिया जाता है। 1914 में इस कहानी के 100 साल हुए, और 100 साल होने के बाद इस कहानी पर कई संपादकों ने अपनी पत्रिकाओं में लेख छापे थे और बात हुई थी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी को बहुत कम आयु मिली। वो सन 1833 में, 83 में, यानी 83 में, 1883 में उनका बॉर्न है, वो पैदा हुए, और 1922 में वो इस दुनिया से चले गए, यानी उनका निधन हो गया।
उन्होंने तीन कहानियां, जैसा मैंने कहा कि लिखी, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन और उसने कहा था। लेकिन उसने कहा था के कारण उनकी बहुत चर्चा होती है। आखिर इस कहानी में ऐसा क्या है कि जिस वजह से इस कहानी की बार बार चर्चा होती है? यह कहानी जो है वो आज 100 साल बाद भी जब भी किसी प्रेम कहानी का जिक्र आता है तो इसकी चर्चा होती है। और इस बात की पुष्टि कुछ समय पहले बीबीसी के एक सर्वेक्षण में बताया गया कि उसने कहा था न सिर्फ प्रेम कथाओं बल्कि हिंदी की 10 बेमिसाल कहानियों में शामिल है। ये बीबीसी के एक सर्वे के हिसाब से बताया गया। आलोचक नामवर सिंह का कहना था कि उसने कहा था का समुचित मूल्यांकन होना अभी बाकी है। उनके मुताबिक अभी इसे और समझे और पढ़े जाने की जरूरत है। अब कुछ जरूरी बात करते हैं कि किसी कहानी को अमर बनाने वाला सबसे बड़ा गुण क्या होता है? तो सबसे बड़ा गुण ये होता है कि वह आपको बार बार पढ़ने के लिए उकसाए और बार बार मन में अटकी सी रह जाए। हर बार के पाठ में उसके नए संदर्भ और अर्थ खुलें और हर बार लगे कि कुछ कहने समझने को बचा रह गया। तो इस कसौटी पर उसने कहा था बिल्कुल खरी उतरती है। मोटे तौर पर देखें तो इस कहानी की तीन विशेषताएं हैं जो इस कहानी को अमर बनाने में योगदान देती है। सबसे पहले तो इसका शीर्षक, उसके बाद चरित्रों का गठन और तीसरा इसका फलक, फलक यानी कैनवास। ये कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन की तरह अपने शीर्षक में अपनी कहानी बता देने वाली कहानियों में से नहीं थी, न उस समय लिखी जाने वाली तमाम अन्य कहानियों के शीर्षक की तरह सपाट थी। इस कहानी का शीर्षक पढ़ते ही पाठकों को लगता है कि इसमें पढ़ना चाहिए कि किसने क्या कहा था और किससे कहा था, क्यों कहा था और क्या कहा था। आप जैसे ही इस कहानी का शीर्षक पढ़ते हैं, उसने कहा था, तो ये सवाल आपके मन में आता है। और जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि इसमें एक कैरेक्टर है सूबेदारनी, उससे लहना सिंह से कहा था कि मेरे पति और बेटे की रक्षा करना, और उसने अपनी जान की बाजी लगाकर उसकी रक्षा की। अब सवाल उठता है कि कोई किसी से ऐसे कुछ तो नहीं कह देता बिना किसी भरोसे के, रिश्ते और संबंध के, ऐसी बातें कहाँ होती हैं? ना सामने वाला इतनी आसानी से मान लेता है। संबंध है तो बस इतना कि 23 बरस पहले वे अमृतसर के बाजारों में कहीं मिले थे। लड़के ने खुद तांगे के पहिए के नीचे होकर भी लड़की की जान बचाई थी। लड़का लड़की से रोज पूछता था, तेरी कुड़माई हो गई? कुड़माई से मतलब है कि तेरा जो है इंगेजमेंट हो गया। तो एक दिन लड़की ने कह दिया कि हाँ, मेरा इंगेजमेंट हो गया। उसने कहा था जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसके तुरंत बाद लिखी गई थी, और तुरंत जो घटा था उसे कहानी में लाना और यथार्थ को इतनी जल्दी और इतनी बारीकी से पकड़ पाना आसान नहीं था, पर गुलेरी जी ने यह किया। और जब लड़की ने कहा कि मेरी कुर्बाई हो गई यानी इंगेजमेंट हो गई, तो लड़के ने उसको मोरी में धकेल दिया, एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि भी पाई थी। 12 साल के उस बच्चे की मनस्थिति के बाद कहानी बीच के अंतराल को खाली छोड़ते हुए सीधे 25 साल आगे आती है, यह बिना बताए कि फिर क्या हुआ था। यहां चाहें तो आप कहानी में अपनी कल्पना से रंग भर सकते हैं। कुछ सूत्र हैं जो कहानी में इधर उधर बिखरे हुए हैं। वहां से यह कहानी युद्ध के मैदान में एक छलांग लगाती है, और ये जो छलांग लगाती है तो सीधे युद्ध की जो मैदान है उसका वर्णन आपको दिखाई देता है। और युद्ध और प्रेम इस कहानी के दो कोण हैं, दो सिरा है। यहाँ कहानी एक तरफ तो अमृतसर की गलियों की उस घटना के बाद सीधे पहले विश्व युद्ध के मोर्चे पर पहुंचती है, जहां पर भारतीय सैनिकों और उनकी चूहलबाजियों, देश को जो वो याद कर रहे हैं उनकी स्मृतियों के बीच में ये कहानी चलती है।
छोटे छोटे इस खंड हैं इस कहानी के, जो 25 साल के लंबे अंतराल को ये कहानी समेटती है, और प्रेम, कर्तव्य, देश प्रेम के जो 3 मूल उद्देश्य हैं उससे जोड़ते हुए ऐसा अद्भुत वर्णन है जो किसी उपन्यास में ही संभव है। तो इस अर्थ में आप देखेंगे कि इसका जो कैनवास है, इसका जो फलक है, वो काफी बड़ा है। ढेर सारे किरदारों के बावजूद इस कहानी में मुख्य रूप से 3 किरदार जो हैं, 3 कैरेक्टर मेन, लहना सिंह, सूबेदारनी और वजीर सिंह। बोधा है जो कि बच्चा है, सूबेदार पुत्र मोह में कमजोर है, सो बेटे को लेकर रणभूमि से घर लौट जाता है। हालांकि लहना की भी एक पत्नी है, पर उसका कोई जिक्र यह कहानी नहीं करती। लहना के मरते वक्त भी वह उसकी स्मृतियों में नहीं आती, आती है तो अमृतसर की गलियों वाली वह बच्ची वह पत्नी के गोद में मरने की बात भी नहीं करता है, भाई के गोद में मरना चाहता है। जाहिर है लेखक ने ऐसा लहना के उस बच्ची के प्रेम को बताने के लिए किया है, नहीं तो इस तरह उसका चरित्र कमजोर हो जाता। और लहना और सूबेदारनी का जो अमर प्रेम है वह शायद इस तरह से फिर अमर भी नहीं हो पाता। तो इस तरह से ये जो कहानी है, उसने कहा था ये कहानी सूबेदारनी और लहना सिंह के एक अमर प्रेम की कथा है, जो 25 वर्ष के अंतराल में फैली हुई किसी उपन्यास के से फलक का आभास देती है। अब हम आपको इस कहानी के बाद दूसरे नंबर पर आपके सिलेबस के हिसाब से जो कहानी है उसका नाम है आकाशदीप। और आकाशदीप जो है वो कहानी है जयशंकर प्रसाद की। आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद मूलतः अपनी कविताओं के लिए जाने जाते हैं, और कविताओं में खास तौर से कामायनी जो उनकी किताब है, जो उनका महाकाव्य है, उसकी बराबर चर्चा होती है जब भी जयशंकर प्रसाद की चर्चा होती है। तो जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप का मैं एक संशोधन आपको करवा दूं, आपके सिलेबस में आकाशद्वीप लिखा हुआ है। तो द्वीप अलग चीज है, उसको इंग्लिश में आइलैंड बोलते हैं, और ये द्वीप है, इसको कैंडल मान, तो ये आकाशदीप है। तो आकाशदीप कहानी पर हम चर्चा करते हैं। ये कहानी जो है वो 1930 के दशक में प्रकाशित हुई, और इसमें मूल रूप से जो चंपा है उसका चरित्र अभिव्यंजित है। और कहानी कला के हिसाब से हम देखेंगे कि इस कहानी में और कौन-कौन से चरित्र हैं और उनका क्या इसमें चित्रण किस तरह से किया गया है। तो आज इस कहानी पर हम बात कर रहे हैं, जयशंकर प्रसाद की आकाश दीप। कहानी का सार ये है कि एक समुद्री जलपोत है, जिसमें जिससे जो जुड़ा हुआ जो दो नाव है उसमें दो बंदी बैठे हुए हैं, जिसको बंदी बनाया गया है। इसमें एक चंपा नाम की स्त्री है और दूसरा एक पुरुष है जिसका नाम बुद्धगुप्त है। दोनों रस्सी काटकर अपनी नौका जलपोत से अलग कर लेते हैं, यानी जो ये इससे जुड़ा हुआ था जलपोत। बुद्धगुप्त जो है वो नौका का जो नायक है उसको मतलब हाथापाई में द्वंद्व युद्ध में हरा देता है, और हराने के बाद नौका पर अधिकार करके नौका का वह नायक बन जाता है, उसका मालिक बन जाता है। नौका जो है वो बाली द्वीप से आगे बढ़ती है, उस स्थान का कोई नाम नहीं है जहां से आगे बढ़ी है। बुद्धगुप्त चंपा के नाम पर उसका नामकरण चंपा द्वीप के नाम से करता है। जाहिर है इससे चंपा प्रसन्न हो जाती है, वह बुद्धगुप्त की ओर आकृष्ट होती है। किंतु जब उसे यह पता चलता है कि बुद्धगुप्त उसके पिता का हत्यारा है,
वह उससे प्यार करती हुई भी घृणा करने लगती है और उससे बदला लेना चाहती है, प्रतिशोध लेना चाहती है। बुद्धगुप्त चंपा के लिए प्रकाश स्तंभ बनवाता है। समुद्री इलाके में देखेंगे आप कि समुन्दर के किनारे लाइट हाउस बनाते हैं ताकि जो अंदर बहुत दूर पानी में जहाज है उसको पता चल सके लाइट हाउस से कि किनारा किधर है और किधर जो है शहर है, किधर लोगों का निवास है। नहीं तो समुद्र में खास तौर से रात में पता ही नहीं चलता है कि कहाँ तक पानी है और कितनी दूर में जा करके किनारा है। उसी लाइट हाउस को यहाँ पर मैंने आपको कहा कि प्रकाश स्तंभ जो शब्द मैंने कहा वो उसी लाइट हाउस के। तो चंपा जब बुद्धगुप्त से विवाह का प्रस्ताव करता है तो चंपा उसको ठुकरा देती है और इनकार कर देती है बुद्धगुप्त को हृदय से। और उसके बाद जो उसने छिपा करके कटार रखा हुआ था, जो हथियार रखा हुआ था, उसको समुद्र में फेंक देती है। लेकिन बुद्धगुप्त से कहती है कि वह भारत लौट जाए, मगर उसे जीवन जो है जीवन भर गरीबों की सेवा करने के लिए यहीं पर छोड़ देना चाहता है। बुद्धगुप्त स्वदेश यानी भारत वापस चला जाता है, मगर चंपा जीवन पर्यंत चंपा द्वीपियों के निवासियों की सेवा करती है। ये मोटा मोटी इस कहानी का सारांश है। जहाँ तक इसके चरित्र चित्रण का सवाल है तो चरित्र चित्रण पर भी हम कुछ बात करते हैं। आकाशदीप कहानी के तीन ही पात्र हैं, चंपा, बुद्धगुप्त और जया। एक पात्र ऐसे भी हैं किंतु उसमें चंपा और बुद्धगुप्त दो ही साहसी मनुष्य हैं। बुद्धगुप्त चंद्रगुप्त और मनुष्य की दृष्टि से चंपा के पिता का हत्यारा है, किंतु वह अत्यंत साहसी और पराक्रमी है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजिमी है कि फिर बदला जैसी चीज क्यों नहीं, क्यों उसके मन में किसी तरह की कोई भावना नहीं है। तो इसका उत्तर भी हमें मिलेगा आगे चल करके दूसरे कथाकारों में, दूसरे कलाकारों। फिलहाल हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो इसका कथोपकथन है वो किस तरह से है, नाटकों की वो जो इसकी संवाद योजना जो नाटकीय है वो देखिए जरा। बंदी, तो बंदी कहता है क्या है, सोने दो। तो फिर उससे पूछा जाता है मुक्त होना चाहते हो यानी फ्री होना चाहते हो, तो कहता अभी नहीं, निद्रा खुलने पर चुप रहो, फिर यह अवसर नहीं मिलेगा। बड़ी सीत है, कहीं से कंबल उठाकर कोई सीत से मुक्त करता है। ये छोटे छोटे डायलॉग हैं जो इससे कहे गए हैं पात्र से। तो ऐसे में जो पात्र हैं इसके, उसके बारे में आपकी कथोपकथन के बाद राय बनाने में आसानी होती है कि किस तरह के पात्रों का सृजन प्रसाद ने किया है, वातावरण क्या है। ये सब सारे तत्व हैं कहानी के, इसलिए मैं आपसे नाम के साथ इन तत्वों पर बात कर रहा हूँ। आकाशदीप जो कहानी है वो जयशंकर प्रसाद ने एक पुरानी ऐतिहासिक घटना का वातावरण संदर्भित किया है, और इस कहानी में जो प्राचीन काल में भारतीय जलयानों की समुद्री यात्रा का वर्णन है और दूरस्थ बाली द्वीप, चंपा द्वीप आदि का उल्लेख अत्यंत सजगता के साथ किया जाता है, तो उस समय अधिकांश यात्राएं समुद्र के माध्यम से होती। लड़ाई झगड़े तो होते रहते थे लेकिन जल दस्युओं के आक्रमण बराबर हुआ करते थे।
जिससे लोग सतर्क रहते थे। इन सारे तथ्यों के बाद प्रसाद जी ने इस कहानी में कुशलतापूर्वक प्रवेश किया था। मैं आपसे इस कहानी की एक दो बातें और करूंगा, क्योंकि हमारे पास समय कम है, दो और कहानियां बची हुई है। एक बात जो मैं खास तौर से आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आपको आकाशदीप कहानी के अतिरिक्त प्रसाद की कुछ और कहानियां जब तक नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि छायावादी कवियों में प्रसाद अकेले ऐसे कवि हैं जिन्होंने जितना छायावादी कविताएं लिखी उससे कहीं अधिक यथार्थवादी कविताएं लिखी। हिंदी साहित्य के इतिहास में इसीलिए बार बार आकाशदीप की कहानी की चर्चा होती है और जयशंकर प्रसाद के अवदान का भी मूल्यांकन किया जाता है। इसीलिए आपके सिलेबस में चंद्रभास शर्मा गुलेरी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद जैसे लोगों का होना आपको अपने इतिहास से भी परिचित कराता है। आकाशदीप के बाद हमारा जो नंबर है वो काफी है। आप लोगों को कोई आवाज में समस्या हो तो बताइएगा। पूजा, कोई समस्या हो तो बताइएगा, नहीं तो मैं मान के चल रहा हूं कि सबको आवाज ठीक से मिल रही है। सौरभ जी, आवाज ठीक से आ रही है ना? ओके, आकाशदीप के बाद हम प्रेमचंद की कहानी कफन पर बात करना चाहते हैं। कफन जो कहानी है वो प्रेमचंद की सर्वाधिक चर्चित और महत्वपूर्ण कहानियों में इसका जिक्र आता है। आप जानते हैं कि कफन कहानी को लेकर के जितनी बातें हुई हैं उतनी बातें शायद ही प्रेमचंद की किसी और कहानी को लेकर के हुई होगी। उसकी वजह है, और उसकी ठोस वजह है कि उसमें जिस जीवन की कथा कही गई है उस जीवन की कथा इससे पहले इस तरह से नहीं कही गई। तो इसलिए मैं आपको इस कहानी की कुछ बातें बताता हूं। इस कहानी का जो सारांश है उस सारांश के बारे में पहले थोड़ी सी बात करते हैं। इसकी सर्जना जो है यानी इसकी जो रचना है वो मूलतः मनोविज्ञान की अनुभूति की धरातल पर हुई। यह बहुत सुगठित और सुव्यवस्थित कहानी है तथा इसमें केवल एक संवेदना का सूत्र संपूर्ण कथानक की सृष्टि में प्रयुक्त हुआ है। और इस कहानी में कथानक की मूल संवेदना यह है कि आधुनिक आर्थिक विषमता, बेरोजगारी और निकम्मे समाज व्यवस्था के कारण जो सर्वहारा वर्ग है वह कितना स्वार्थी, कमजोर हो गया है, जड़ भी हो गया है कि मृतक पुत्र वधू जो है उसकी, और जो उधर दूसरी तरफ उसका पुत्र है वो पत्नी के कफन के लिए गांव भर से चंदे इकट्ठे करता है, और चंदे को इकट्ठे करने के बाद उसको लेकर के बाजार जाता है कफन खरीदने। लेकिन कफन खरीदने के बजाय दोनों बाप बेटे शराब पीने में लग जाते हैं और फिर उसमें सारे पैसे खर्च कर देते हैं। और अंत में
अपने इस काम को बढ़िया बताने के लिए, उसका समर्थन करने के लिए समाज की रीति रिवाज को कोसता है कि कैसा बुरा रिवाज है जिसे जीते जी तन ढकने को चिथड़ा भी न मिले, उसे मरने पर कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जलकर राख हो जाता है। इस प्रकार कहानी का जो कथानक है उसका आरंभ घीसू और माधो की जो दीनहीन एवं कारुणिक दशा है उससे होता है। इस प्रकार पूरी कहानी के कथानक का जो आरंभ है, जो स्टार्टिंग है, वह घीसू और माधव की जो दीनहीन दशा है, जो उसकी कारुणिक समस्या है, उससे शुरू होती है और उसी को लेकर के खत्म भी होती है। एक बात जो दलित आलोचकों की तरफ से इस कहानी के बारे में कही गई वो भी आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो कि उस तरह का कोई इस कहानी में क्लू नहीं है, कोई संकेत नहीं किया गया है, लेकिन उन्होंने ये बात दलित आलोचकों में, खास तौर से डॉक्टर धर्मवीर ने ये बात कही है। वो बात ये है कि सवाल उठाते हैं कि जब प्रसव पीड़ा से जो बुढ़िया है वो छटपटा रही है झोपड़ी में, तो दोनों बाप बेटे आलू भून करके खाने में लगे हैं और नहीं जाते हैं उसको देखने। तो उन्होंने सवाल उठाया कि चूंकि दोनों बाप बेटों को ये लग रहा था कि वो उसके पेट में ठाकुर का है, इसलिए ठाकुर के बच्चे के शक में वो नहीं जाते हैं। जबकि इस पूरी कहानी को पढ़ने के बाद ऐसा कोई संकेत इस कहानी में नहीं मिलता है। तो एक ये पाठ भी है, एक ऐसी रीडिंग भी इस कहानी की गई है। तो इसलिए इस कहानी की जो रीडिंग है वो दलित दृष्टिकोण से अलग है, यथार्थवादी दृष्टिकोण से अलग है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण से अलग है, और हर आलोचक ने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने नजरिए के हिसाब से इस कहानी का पाठ किया है, उसकी पाठ करने की कोशिश की है। तो मैं आपको इन तमाम सोचा की बात करते हुए, विचारों से अवगत कराता हुआ चलूं कि इस तरह की बातें भी इस कहानी के बारे में की गई है। एक बात जो है कि इस कहानी में दो मुख्य पात्र हैं, घीसू और उसका पुत्र माधु। दोनों जो है वो मजदूर वर्ग से है और दोनों आराम तलब, काम चोर और बदनाम है। इस कदर बदनाम है कि कोई उन्हें अपने यहाँ काम पर नहीं बुलाता है। अगर कभी किसी मजबूरी में बुला लिया तो आधा घंटा वे लोग काम करते हैं और 1 घंटा उसके बाद बैठकर चिलम पीते हैं। ये एक दिन काम करते हैं और उसके बाद इनकी स्थिति ये है कि एक दिन काम करते हैं तो एक दिन काम करने के बाद 3 दिन आराम करते हैं। तो इससे क्या होता है कि इनके फाके पड़ने की नौबत आती है। फाका पड़ना कहते हैं कि घर में अन्न का ना होना, खाने पीने की दिक्कतें होना। तो ये जब दिक्कत आती है तो ये क्या करते हैं कि किसी पेड़ से लकड़ी तोड़ लेते हैं, उससे जाकर बाजार में बेच आते हैं, जो पैसा मिलता है उससे खाते पीते हैं। फिर जो इनकी इस तरह की प्रवृत्ति है कि काम में जब ये कहीं जाते हैं तो कम काम करते हैं और इस वजह से इन्हें कोई काम पर नहीं बुलाता है, तो आर्थिक स्थिति इनकी बहुत खराब रहती है, क्योंकि जब आप कमाएंगे नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे। तो इस तरह से ये कहानी काम चोरी के साथ साथ समाज की उन परतों के बारे में भी बताती है जिससे आपको पता चलता है कि जो हमारा गांव है, जो ग्रामीण समाज है, उसमें
कैसे कैसे पात्रों का भी गुजारा हो जाता है, जो ऐसे ऐसे पात्र शहर में हो तो शायद गुजारा भी ना हो, क्योंकि शहर में जिस तरह की चालाकी, जिस तरह की कन्नेस, जिस तरह की फीलिंग को लेकर के माहौल है, उस तरह का माहौल गांव में नहीं होता है। और गांव में ऐसा नहीं होता है इसीलिए वो दोनों बाप बेटे कफन के पैसे से शराब पी जाते हैं, और उन्हें ये भरोसा है कि जिन गांव वालों ने एक कफन के लिए पैसे दिए, वही गांव वाले मेरे शराब पी लेने पर क्रियाकर्म कर देंगे, उसका उद्धार कर देंगे। और इस तरह से जो दोनों बाप बेटे हैं वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं, उससे बरी हो जाते हैं। ये कहानी कई अर्थों में आज भी आपको सोचने के लिए मजबूर करती है कि इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद यथार्थ के किस धरातल की बात कर रहे हैं और किस। आपको प्रेमचंद की कफन के अलावा जो कुछ और मशहूर और चर्चित कहानियां हैं वो भी मैं बताता हूं, जिनको कि आपको पढ़ना चाहिए और जिससे आपकी इस कहानी को विश्लेषण करने में और मदद आपको मिलेगी, आगे के लिए आप इसको सोच के रखिए। एक तो ज्यादातर प्रेमचंद ने ऐसी कहानियां लिखी हैं जिसमें समाज के, खासतौर से गांव के, उन पात्रों को आधार बनाया है जो हाशिए पर चले गए हैं, या जो कहिए कि किसी वजह से हाशिए पर धकेल दिए गए हैं, और ऐसे लोग भी उसमें शामिल हैं जिनका कि कोई आज भी देखने वाला नहीं है। शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत उनकी तो बात ही नहीं होती है, घुमंतू जातियों की, जिनकी की चर्चा कई समाज शास्त्रियों ने की। ये घुमंतू जाति से नहीं है येसु और माधव, ये उसी गांव के हैं, लेकिन ये एक जगह टिक के नौकरी करना या कोई रोजगार करना ये नहीं करते हैं। इस वजह से इसमें, इस समाज में गरीबी भी है और गरीबी के साथ साथ अशिक्षा भी है। धन्यवाद। अब जो आखिरी कहानी है वो कहानी है, मतलब आज के लिए तो चार आज कहानी पे बात करेंगे और चार कल। तो आज की आखिरी कहानी पे हम बात करना चाहते हैं, वो कहानी है परमात्मा का कुत्ता। ये नाम बड़ा अजीबो गरीब आपको लग सकता है, परमात्मा का कुत्ता कहानी के कहानीकार हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश आप जानते हैं कि नई कहानी आंदोलन के साथ तीन लोग कहानी के क्षेत्र में मुख्य रूप से उभर कर सामने आए, कमलेश्वर, मोहन राकेश और राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव ने एक पत्रिका निकाली हंस, जो आज भी निकल रही है। आप चाहें तो इस पत्रिका को कभी देख सकते हैं, और पता नहीं पांडिचेरी तक की पत्रिका जाती है कि नहीं। तो इस पत्रिका के संपादक राजेंद्र यादव और कमलेश्वर और मोहन राकेश, ये तीन त्रयी के नाम से जाने जाते हैं। मोहन राकेश की एक दो कहानियां बहुत चर्चित हुई, जिसमें एक कहानी है मलबे का मालिक और ये दूसरी कहानी है परमात्मा का कुत्ता। एक और उनकी मशहूर कहानी है आद्रा। फिर एक और कहानी जो काफी चर्चित हुई, मिसपाल।
ये तमाम कहानियां उनकी बहुत चर्चा में रही, बहुत कम उम्र उनको मिली, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बहुत अच्छी कहानियां लिखी। परमात्मा का जो कुत्ता है, उस कहानी के बारे में कुछ बात करते हैं, उसके कुछ आपको समरी भी बताते हैं, और उस कहानी के बारे में आपको कुछ दिलचस्पी जगे, इसके लिए भी कुछ जरूरी बातें आपको बताते हैं। 8 जनवरी, अभी उनका उनकी जयंती आने वाली है, 8 जनवरी 1925 को पंजाब के अमृतसर जिले में मोहन राकेश का जन्म हुआ था। और जैसा कि मैंने कहा, नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं, कथाकार हैं, और उन्होंने नाटक भी बहुत अच्छे अच्छे लिखे, जिसमें आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राज हम, आधे अधूरे, ये सब उनके नाटक काफी चर्चित हुए। और 1925 में जन्मे मोहन राकेश ने भारत का जो विभाजन सन 1947 में हुआ था, उसको बहुत करीब से देखा था, 22-23 साल के थे, और पूरा मार्का जिसमें लाखों लोग तो विस्थापन के शिकार हो गए, इधर से उधर गए, और बहुत लोग मारे गए, ये उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। और इसी को उन्होंने देखने के बाद मलबे का मालिक जैसा ऐतिहासिक कहानी लिख करके संभव किया था। मोहन राकेश के जो पिता थे, वो पेशे से वकील थे और संगीत प्रेमी भी थे, और इसलिए कहा जाता है कि जो पिता की साहित्यिक रुचि है, उसका प्रभाव मोहन राकेश पर पड़ा था। और मोहन राकेश ने पढ़ाई लाहौर के ओरिएंटल कॉलेज से की थी, तो इसलिए उन्होंने लाहौर में भी बहुत समय बिताया था। और पंजाब यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ से उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में एमए किया था, दो भाषाओं में। और उसके बाद उन्होंने विभाजन के बाद उनका अध्यापन कार्य में भी, मतलब टीचिंग के जॉब में भी नौकरी मिल गई थी, लेकिन उसमें उनका मन नहीं लगा, और उन्होंने सारिका नाम की पत्रिका का संपादन किया। ये उनके जीवन के बारे में एक दो बातें हमने की। कहानी देखिए कैसे शुरू होती है, कि बहुत से लोग यहाँ वहाँ सिर लटकाए हुए बैठे थे, जैसे किसी का मातम करने आया। कुछ लोग अपनी पोटलियां खोलकर खाना खा रहे थे। दो एक व्यक्ति पगड़ियां सिर के नीचे रख कर कंपाउंड के बाहर सड़क के किनारे बिखर गए थे। छोले कुलचे वालों का रोजगार गरम था, और कमेटी के नल के पास एक छोटा मोटा ट्यूब लगा हुआ था, यानी पानी पीने के। ये पूरा जो विभाजन का दौर है, उस दौर को बताने के लिए मोहन राकेश ने इसमें पूरे माहौल की रचना की है। और उसमें जो उस दौर का उर्दू शेरो शायरी का माहौल है, और जो उसमें एक फरमाइशी कहा लगा, उसमें देखिए एक जगह जिक्र आता है, जिसे सी सी की आवाजों ने बीच में ही दबा दिया। कह कहे पर लगाई गई इस ब्रेक का मतलब यह था कि कमिश्नर साहब अपने कमरे में तशरीफ ले आए। ये जिस पूरे माहौल की संरचना इसमें की है मोहन राकेश ने, वो पूरा माहौल आपको इस कहानी में दिखाई देता है। इस तरह से कि जो उस समय का जो ब्यूरोक्रेसी का माहौल था, ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ विभाजन के बाद जिस तरह का पूरा वातावरण बना हुआ था, उस वातावरण में इस कहानी में दिखाया गया है कि किस तरह से लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से अविश्वास के साथ बात कर रहे हैं, और इस अविश्वास के कारण
इसमें कई तरह की चीजें, कई तरह की बातें परतों में, मानव मन के जो अलग अलग परत हैं, इस परत के कारण इस कहानी में आप देखते हैं कि उसका मनोवैज्ञानिक अध्ययन भी किया गया है। और सामान्य तौर पर समाज में जो तीन वर्ग दिखाई देते हैं, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग, ये समाज का उच्च वर्ग जो है वो अभिजात वर्ग है, जो कि शोषक है, ये दिखाया गया है, और जो निम्न वर्ग का शोषण करता है, और मध्य वर्ग जो है इन दोनों के बीच में है, जो आत्मनिर्भर है और अपने संघर्ष पर ध्यान देता है और जीवन यापन करता है। अरस्तु ने इस तरह के समाज को लेकर के कहा था कि प्रत्येक राज में भी तीन वर्ग होते हैं, एक अत्यधिक धनी, दूसरा अत्यधिक गरीब और तीसरा मध्य वर्ग। इस तरह के पात्रों का जो विवेचन है वो आप देखेंगे कि इस कहानी में ये दिखाया गया है कि जो सरकारी महकमों में होने वाली धांधली है, घूसखोरी है, भ्रष्टाचार है, उस सबको ये हाई क्लास जो है वो प्रश्रय देता है, उसको बढ़ावा देता है। और इसलिए उस बढ़ावे के कारण बहुत सी बुराइयां ऐसी आती हैं जिसका भुक्त भोगी, या कह लीजिए जिसका ज्यादा जो दुष्परिणाम है वो झेलना पड़ता है निम्न वर्ग। तो इसलिए निम्न वर्ग की दयनीय हालत बहुत ज्यादा इसमें दिखाया गया है कि कैसे जिसके लिए वो वर्ग जिम्मेदार नहीं है लेकिन उसे वो झेलना पड़ता है। तो परमात्मा के कृपा में एक चपरासी है जिसके बारे में इसमें कहानी में जिक्र आता है, कि चपरासी से खिड़की का पर्दा ठीक कराकर कमिश्नर साहब ने मेज पर रखे ढेर से कागजों पर एक साथ दस्तखत किए और पाइप सुलगा कर रीडर्स डाइजेस्ट का ताजा अंक बैग से निकाल लिया। लेटिसिया बॉलरीज का लेख कि उसे इतालवी मर्दों से क्यों प्यार है ये पढ़ चुके थे, और लेखों में हृदय की शल्य चिकित्सा के संबंध में J.D. रेडक्लिफ का लेख उन्होंने सबसे पहले पढ़ने के लिए चुन रखा। इससे ये पता चलता है कि ऑफिस के काम से ज्यादा उनके रुचि दूसरी चीजों में है, और जहां पर उनको ध्यान देना चाहिए वहां वो एक साथ फाइल में कई सारे दस्तखत करके उससे वो मुक्त हो जाते हैं। जो लोग जाते हैं ऑफिसों में काम कराने के लिए, उनके साथ देखिए किस तरह की चीज है, मैं आपको कहानी से पढ़ के सुनाता हूँ। आदमी जाता है अपना काम कराने, बाबू लोग भीड़ को हटाते हुए आगे बढ़ाए और उन्हें चपरासी से, उस आदमी के पास से हटा लिया। चपरासी फिर भी बड़बड़ाता रहा। कमीना आदमी दफ्तर में आकर गाली देता है, मैं तुझे अभी दिखा देता। एक तुम ही नहीं, यहाँ तुम सब के सब कुत्ते हो, यह आदमी कहता रहा। तुम सब भी कुत्ते हो और मैं भी कुत्ता हूँ, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम लोग सरकार के कुत्ते हो, हम लोगों की हड्डियां चूसते हो और सरकार की तरफ से भोंकते हो। मैं परमात्मा का कुत्ता हूँ, उसकी दी हुई हवा खाकर जीता हूँ और उसकी तरफ से भोंकता हूँ। उसका घर इंसाफ का घर है, मैं उसके घर की रखवाली करता हूँ। तुम सब उसके इंसाफ की दौलत के लुटेरे हो, तुम पर भोंकना मेरा फर्ज है, मेरे मालिक का फरमान है, मेरा तुमसे अजली बैर है। कुत्ते का बैरी कुत्ता होता है, तुम मेरे दुश्मन हो, मैं तुम्हारा दुश्मन। मैं अकेला हूं इसलिए तुम सब मिलकर मुझे मारो, मुझे यहां से निकाल दो, लेकिन मैं फिर भी भौंकता रहूंगा। तुम मेरा भौंकना बंद नहीं कर सकते, मेरे अंदर मेरे मालिक का नर है, मेरे वाहेगुरु का तेज है। मुझे जहां बंद कर दोगे मैं वहां भौंकूंगा और भौंक कर तुम सबके प्राण फाड़ दूंगा। आदमी के कुत्ते जूठी
हड्डी पर मरने वाले कुत्ते दुम हिला हिला कर जीने वाले। ये इसका जो डायलॉग है, इसका जो संवाद है, इस संवाद से आपको लग गया होगा कि एक ऐसा खबती पात्र, खबती पात्र के लिए इंग्लिश में एक शब्द है सिनिकल, ऐसा सिनिकल पात्र है जो सच बात कहता है और दफ्तर के जो रिश्वत खोर लोग हैं उन रिश्वत खोर लोगों को चूंकि रिश्वत चाहिए और ये आदमी रिश्वत नहीं देता है इसलिए इसके काम को डिले किया जाता है और जाहिर है कि उससे वो फ्रस्ट्रेट होकर के इतनी सारी बातें कर रहा है और वो अपने को इसलिए कहता है कि मैं परमात्मा का कुत्ता हूँ और तुम लोग सरकारी नौकर हो, सरकार के कुत्ते हो। इस कहानी का जो शीर्षक है वो इससे जस्टिफाई होता है कि जो परमात्मा का कुत्ता है, एक ऐसा आदमी जो ईश्वरीय बात करता है, नेक नियति की बात करता है, वह दफ्तर की कारस्थानियों पर सवाल खड़े करता है और अपनी है। ये कुल मिला के आज हमने चार कहानियों पर चर्चा की और कल इसी वक्त 4 बजे से शुरू होने वाली कक्षा में चार और कहानियों पर चर्चा करेंगे और कल की जो चार कहानियां होंगी आपके पास सिलेबस है तो उस सिलेबस में देखिए एक कहानी है ठेस जो हंसवनाथ रेणु की कहानी है, फिर उसकी अगली कहानी है परिंदे जो निर्मल वर्मा की कहानी है, फिर सातवीं कहानी है वापसी जो उषा प्रेमदादा की कहानी है और आठवीं कहानी है पिता जिसके लेखक हैं ज्ञान रंजन। तो इन चारों कहानियों के ठेस, परिंदे, वापसी और पिता इस पर कल चर्चा करेंगे और आज उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आकाश दीप, जयशंकर प्रसाद, कफन, प्रेमचंद और परमात्मा का कुत्ता मोहनदास। इस पर हमने बात की और अब मैं चाहूंगा कि हमारे पास जो थोड़ा समय 6-7 मिनट का है तो इसमें आप लोगों के कोई सवाल हो तो वो करें। गीता, काव्या, निमिषा, पूजा, आवाज सुनाई दे रही है सबको? हाँ, सर इट्स ऑडिबल सर तो आप लोगों के कोई सर सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं, अभी हमारे पास कुछ मिनट हैं बाकी। नो सर, मैंने 4 स्टोरीज का कहानी सुनी थी, मुझे एक बार पढ़ना पड़ेगा एक बार। वो जो ठीक न्यू है, वर्ड्स या कुछ न्यू वर्ड्स है तो लेट मी अंडरलाइन इट, मैं कल पूछूंगी आपसे। यस ठीक है ठीक है ठीक। सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, गीता, जी सर, कोई सवाल? जी नहीं सर, बहुत अच्छे से समझ में आया सर। अच्छे से समझ में आया, ठीक है। पूजा, मुरली, ठीक जी सर, से आवाज आ रही थी? कोई हाँ आवाज अच्छे से आ रही थी सर, नो सवाल? डाउट। मैं आपको रीड करके कल पूछ देती हूँ सर। ओके, रविचंद्रन, रविचंद्रन, कहानी जी, ठीक से समझ में आई? परमात्मा का कुत्ता। हेलो हेलो, बोलिए, सुन रहा हूँ। परमात्मा का कुत्ता का स्टोरी प्लीज रिकलेक्ट सर, आई कुड नॉट एबल टू। अच्छा, ऐसा है, इस कहानी को पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें एक घंटे में चार कहानी को कवर करने का दबाव था तो हम आपको पूरी कहानी नहीं सुना पाए, आपका हमने जिज्ञासा बढ़ा दिया, तो इस कहानी को पढ़ लीजिए, थोड़ी लंबी कहानी है। और परमात्मा का कुत्ता क्यों है ये तो हमने बताया अभी, ठीक है?
सौरभ वर्मा, सेंथिल, शांति, सुबैया शंकर, नहीं सर, कोई समझ नहीं है। अच्छा रहा सर, अच्छा क्लास। ठीक है ठीक है। निमिषा, निमिषा बिनु, हाँ आवाज आई ठीक से? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? जी, नहीं सब क्लियर है जी, क्लियर है जी, ठीक है, तो समझ में आ गया। आज की कक्षा को यहीं समाप्त किया जाए। सर ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो धन्यवाद मच। ठीक धन्यवाद जी। है, ठीक है, धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर, धन्यवाद, धन्यवाद सर।
हेलो, नमस्कार। हेलो, हाँ सर, सुन रहे हैं सर। नमस्कार। हाँ नमस्कार। नमस्ते हाँ ऐसा है कि जी। अभी आपका क्लास खत्म हो गया? कितने बजे है? अभी 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 खत्म हो गया? अच्छा हाँ जी, अभी हाँ ठीक है। तो ठीक है, हम ऐसा है कि अभी इस पर आ रहे हैं कि विशेषकर अभी निरालापन में अगर समय है तो चर्चा करूंगा, क्योंकि इतने सारे विषयों को एक साथ समेटना तो आसान नहीं है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं सीधे कामायनी पर आ रहा हूँ। आप, मेरी आवाज ठीक तरह से आ रही है? हाँ सर, ठीक हाँ तरह आ रहा जी, सर। आवाज और हाँ वीडियो जी, दोनों ठीक ठीक है। है सर। हाँ जी, ठीक है ठीक है। ऐसा है कि जैसे आपके लिए परिचित भी है, कामायनी जयशंकर प्रसाद हिंदी के बहुत ही मशहूर लेखक हैं, आपके लिए परिचित है, अवसर है कि आप जानते हैं कि छायावाद युग के बहुत ही मशहूर लेखक हैं, छायावाद युग के मशहूर कवि महाकवि है जयशंकर प्रसाद। उनकी रचनाएं आप जानते हैं कि विशेषकर उनका जो काव्य है, महाकाव्य के रूप में कामायनी है, वो आपने सुना होगा, छायावाद की एक प्रकार से अंतिम चंद्रगुप्त प्रसाद सर, की है जी। एक प्रकार से अंतिम प्रसाद। हेलो, कोई प्रॉब्लम है आप सुनने में? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी, हाँ अच्छा, जी सर, ठीक है ठीक है हाँ जी, जी। प्रसाद की ठीक अंतिम रचना, प्रसाद की अंतिम रचना है और छायावाद की भी अंतिम रचना है। 1936 में कामायनी नामक महाकाव्य की रचना हुई है। जैसे जयशंकर प्रसाद की जो प्रमुख रचना आप जानते भी हैं, छायावाद का पहला काव्य प्रसाद का है, मैंने पिछले क्लास में बताया था, छायावाद का पहला काव्य संकलन प्रसाद का है, उसका नाम है झरना। झरना प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में प्रेम पथिक है, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, झरना, लहर, ये सब बहुत ही चर्चित रचनाएं है। और उनके खंड काव्य आंसू काफी मशहूर हैं। उन्होंने जिस तरह को, यानी आंसू को उन्होंने जिस तरह फिलोसॉफिकल बना दिया, यानी अपनी पीड़ा को आंसू के रूप में बरस पड़ने की जो बात है, पूरे खंड काव्य एक प्रेम को, लव प्रेम को अलौकिक धरातल पर लाकर उन्होंने इसे एक प्रकार से फिलोसॉफिकल बना दिया है। आंसू काव्य कामायनी अलग अंदाज की कविता है, महाकाव्य है। कि आप जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद है, नाटककार के रूप में भी मशहूर है, उनके बहुत सारे नाटक हैं, राजश्री, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, जनमेजय का नागयज्ञ, युगस्वामिनी, ये सब बहुत चर्चित उनके नाटक हैं। और कंगाल तितली इरावती जैसे उपन्यास हैं, आकाशदेव, इंद्रजाल, आंधी जैसी कहानियां हैं। और प्रसाद की एक गद्य रचना भी है, काव्य कला तथा अन्य निबंध, उनके समस्त विचार, उनके काव्य संबंधी और साहित्य संबंधी सारे के सारे विचार इस छोटी सी, बहुत छोटी सी किताब है, काव्य कला तथा अन्य निबंध में भी मिलता है। प्रसाद की खासियत क्या है? कभी कभी प्रसाद के वह कुछ कविता को कोट करके बताते हैं कि प्रसाद की कविताएं बहुत इस प्रकार से क्या है, पलायन वाली है,
जीवन से सरेंडर करने वाली रचना है। इसके लिए उनका उनकी कविता है लहर नामक कविता है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। इस तरह की पंक्ति को कोट किया जाता है। असल में क्या है, ले चल मुझे बुलावा देकर, मुझे बुलावा देकर मैं सब कुछ भूलना चाहता हूँ और मैं कहीं इस बहुत व्यस्त और भीड़ भरी जगह से मैं मुक्ति पाना चाहता हूँ। ये सुनकर असल में कभी भी आलोचकों ने बताया कि शाहवादी कविता अलहमवादी कविता, लेकिन ये धारणा बिल्कुल गलत है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे सुमित्रानंदन पंत ने तोड़ती पत्थर जैसी कविता लिखी है, इस धरती की अस्थि मांस की स्त्री है, श्रम करने वाली स्त्री है, यानी इलाहाबाद के पद पर पत्थर तोड़ने वाली नारी का चित्रण और भारतीय विधवा का चित्रण, बादल नाग में किसानों का चित्रण, यानी यहाँ की सामंतवादी जमींदारी प्रथा के खिलाफ, पूंजीवादी के खिलाफ एक प्रकार से विद्रोह करने वाले लोगों का चित्रण में बादल राज में मिलता है। जागो फिर एक बार जैसी कविता में एक प्रकार की जन जागृति है। जिस प्रकार गुलामी के देश में परतंत्र भारत में साम्राज्यवादियों के खिलाफ लड़ने के लिए और अपने आप जागृत होने के लिए निराला ने प्रेरित किया है, क्योंकि हमें अपनी शायवाद के एक बहुत बड़ा संदेश यही है, अपनी आत्मशक्ति को पहचानना। हमारे अंदर शक्ति है, लेकिन शेर होकर भी अगर हम चूहे के समान जीते हैं तो हमारी शक्ति का क्या वैल्यू है। इसीलिए मर्द होकर भी मुर्दों के समान जीने वालों को जगाने का प्रयास शायवादी कवियों ने किया। इसलिए हमारी शायवादी काम एक प्रकार को जागृति करता है। जागृति कहाँ से है, बाहर से नहीं, आत्म जागृति। अपने अंदर को पहचानो, अपने अंदर को टटोल कर देखो अंधेरे से प्रकाश की ओर, तमसो मा ज्योतिर्गमया, ये छायावादी काव्य में आप देख सकते हैं। प्रकृति सत्य के माध्यम से जीवन सत्य की ओर, जब प्रकृति रोती है, प्रकृति का रोना मनुष्य का रोना, यानी ओस की बूंदों में या प्रकृति के बादलों में, ओस की बूंदों में मनुष्य के आंसू का दर्शन करना, ये छायावाद क्या है। यानी छायावादी कवि कभी भी हमारी धरती से भागने वाले कवि नहीं है। जीवन की सच्चाइयों को, जीवन के सुख को, जीवन के दुख को, जीवन की जागृति को अपने आप पहचानना, इसलिए सुख और दुख के बीच एक प्रकार का पुल बनाने का काम छायावादी कवियों ने किया है। लेकिन हमारे बहुत सारे आलोचकों ने ये बताया है छायावाद कल्पना है, छायावाद प्रकृति है, छायावाद एक प्रकार से पलायन है। ये सब एक प्रकार से कुछ कविता में आप देख सकते हैं, लेकिन जीवन के प्रति अथक आशावादिता का, जैसे निराला कहते हैं अभी न होगा मेरा, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया हूँ मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी अभी तो आया हूँ। यानी अपने जीवन की समस्त कठिनाइयों के बीच भी भिक्षु जैसी कविताओं में भिखारियों से, भिक्षु बालकों से कवि कहते हैं टहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत, टहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा अभी मैं जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारा दुख अपने हृदय में खींच लूंगा। राग विराम की दूसरी कविता, मैंने मैं शैली अपनाई, देखा दुख की एक निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में मेरी, झट उमड़ वेदना आई, ऐसे कहने वाले कवि इन जीवन के प्रति अथक आशावादिता का अलग जगह पहली आगे बढ़ने वाले क्रांतिकारी कवियों का, यानी दीप्त पौरुष का, उद्दाम शक्ति का और क्रांति का उद्घोषक कवि है। आप देखेंगे कि छायावाद एक प्रकार को शक्ति का काव्य बताया गया। शक्ति क्यों है, ज्ञान की शक्ति बुझा जैसी कविता, शक्ति की करो मौल कल्पना, यानी राम और रावण के युद्ध को दिखाते हुए आखिर हमें संदेश ये बताया है, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। यानी आज के समाज में हम देख रहे हैं अन्याय जिधर है उधर शक्ति, यानी पैसा वालों के पास शक्ति है, लेकिन हमें देखना है, कवि ने हमें एक संदेश दिया कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, तुम्हारे अंदर शक्ति है, तुम अशक्त होकर
युद्ध करने से कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे अंदर की आत्मशक्ति को जागृत करो और शक्ति की करो मौलिक कल्पना, तोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रही हो अंदर। जब शक्ति की सिद्धि नहीं होती है तब तक युद्ध नहीं करो। एक आदमी के पास, हमारे शत्रुओं के पास बहुत सारे हथियार हैं, हथियार वालों से हमें बिना हथियार से युद्ध करने से कोई फायदा नहीं है, मतलब नहीं है। हमें पहले शक्ति को, शक्ति का संचय करना चाहिए, हथियारों को इकट्ठा करना चाहिए, उसके बाद युद्ध करना चाहिए। इस तरह का महासंचय रामायण जैसे महाकाव्य है उसमें भी मिलता है। शक्ति शक्तिशाली हो, विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। यानी रामायण के बारे में बताया जाता है, रामायण बहुत सारी पौराणिक कृतियों के आधार पर लिखा गया आधुनिक काव्य, मानवता की विजय गाथा, मनुष्य की विजय गाथा के रूप में, मनुष्य की पराजय गाथा नहीं, मनुष्य की विजय गाथा रामायण के मूल में है। रामायण में कश्मीरी शैव दर्शन है, जिसे दूसरी शब्दावली में कहते हैं प्रत्यभिज्ञा दर्शन, प्रत्यभिज्ञा दर्शन। रामायण का महान संदेश यही है, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। देखिए, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो, दूसरों को हंसना, दूसरों को हंसाना, दूसरों की मुस्कुराहट देखकर अपने सुख को विस्तृत करना। हम क्या चाहते हैं? दूसरा आदमी रोए, दूसरा आदमी और पीड़ित हो और दुखी हो तो हम खुश। लेकिन प्रसाद का जो वैश्य चल रहा है, जो ग्लोबल कॉन्शियसनेस प्रसाद की, अब देखिए, औरों को हंसते देखो मनो, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। देखो बहुत बड़ा उनका जो कॉन्सेप्ट है, ज्ञान कामायनी की पंक्ति में बता रहा हूं। जैसे कामायनी शुरू होती है, हिमगिरी के उत्तम शिखर से वर्षशिला की शीतल चाह, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। एक पुरुष हिमगिरी के उत्तम शिखर पर एक पुरुष बैठा हुआ भीगे नयनों से प्रलय का प्रवाह देख रहा। कौन है वो पुरुष, क्या नाम है? उस पुरुष का नाम क्या है? कौन बता सकता है? मनु। मनु, हाँ, मनु देवजाति की भोग लालसा, इंद्रिय लिप्सा, भोग विलास के कारण प्रलय हुआ है और देवजाति का एक ही व्यक्ति बचा हुआ है, उनका नाम है छोटी सी नौका के सहारे बचा हुआ, उनका नाम है मनु। और देवजाति के इसी विलासपूर्ण जीवन में पहली बार चिंता का आगमन आता है। आप देखिए, प्रसाद ने 15 सर्गों में कामायनी नामक महाकाव्य लिखा है और एक एक सर्ग को इतनी बारीकी से एक साइकोलॉजिस्ट के रूप में, एक मनोवैज्ञानिक ढंग से उन्होंने चित्रित किया है। देवजाति का मतलब हमेशा शुभ लोलुभा में, विलासिता में जीने वाली एक जाति है और उनके जीवन में चिंता का आगमन है। चिंता क्या है? वरीज, फिक्र, मुसीबतें। और पहली बार जो चिंता आती है, चिंता का मनोवैज्ञानिक चित्रण प्रसाद ने किया है। कामायनी एक प्रकार से चिंता से उसका अंतिम सर्ग है आनंद। चिंता से, वरी से, मुसीबतों से, मुश्किलों से लेकर आगे आनंद तक की, जीवन के आनंद तक की यात्रा कामायनी की यात्रा। और चिंता का आगमन देवजाति के जीवन में पहली बार जब चिंता आती है, अब देखिए, मुझे असल में इतना दुख हो रहा है। कामायनी की बहुत सारी पंक्तियां है, उन पंक्तियों के माध्यम से अगर आपको कुछ बताए तो कितना अच्छा होता, लेकिन अभी तो उसके लिए सीमा है। देखिए, वो चिंता की पहली रेखा, अरे विश्व वन की व्याली, प्रसाद बता रहे हैं, पहली बार एक आपके जीवन में सुख ही सुख है तो दुख आप कैसे पहचानेंगे? देवजाति ऐसे ही लोग हैं, सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, भोग ही भोग है, विलास ही विलास है। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में
पहली बार आती है चिंता, वो चिंता की पहली रेखा, अरे विश्व वन की ब्याड़ी ड्रैगन, विश्व वन विश्वरूपी वन में विचरण करने वाली ब्याड़ी के तरह, वो ब्याड़ी सबको ग्रसने वाली है, ज्वालाओं की ओड के प्रथम भीषण कंप सी मतवाली चिंता एंजॉय कर रही है, क्योंकि इस आदमी को मैंने परेशान किया है। ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी क्या है, वोल्केनो अग्नि पर्वत, वोल्केनो जो वोल्केनो जो पहली बार फूट पड़ती है, फूट पड़ते समय एक कंपन होती है, उसी कंपन में ज्वालामुखी जो फूटती है, उसी कंपन में जो मस्ती होती है, उसी मस्ती की तरह वो हमारे पास आ जाता है। और इस तरह चिंता से लेकर आनंद तक यात्रा, प्रसाद ने ये भी बताया है कि जिस प्रकार जीवन को आनंद की ओर ले चलना है, जीवन को समरसता की ओर ले चलना है, समरसता ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके विडंबना है जीवन की। अब देखिए ज्ञान नॉलेज क्रिया एक्शन, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, यानी एक और नॉलेज है लेकिन एक्शन दूसरी ओर है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, हमारी इच्छा है विल, विल पावर क्यों पूरी नहीं होती है, एक दूसरे से न मिल सके ये विडंबना है जीवन की। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना आयरनी क्या है, जीवन की आयरनी ऑफ लाइफ क्या है, नॉलेज विल पावर एक्शन, तीनों का त्रिकोण एक साथ नहीं चलता है, तीनों की समरसता नहीं है, हमारे पास ज्ञान है लेकिन एक्शन नहीं है, देर इज नॉलेज बट देर इज नो एक्शन, ज्ञान के बिना एक्शन का मतलब नहीं है, आपके पास एक्शन है लेकिन देर इज नो नॉलेज अगर ज्ञान नहीं है, और ज्ञान दूर, ज्ञान एक रास्ते में, नॉट एक्शन दूसरी रास्ता, विल पावर आपके पास ज्ञान है लेकिन विल पावर नहीं है, क्या फायदा। अब देखिए कामायनी में जिस तरह की बातें बताई गई है उसका विस्तार देना बहुत ही कठिन भी है, बहुत ही विशाल भी है। आप जानते हैं कामायनी के पात्र मुख्य पात्र कौन कौन है, देवी जी बताइए, मुख्य पात्र तीन है। हाँ बोले, ध्रुव स्वामिनी, राम गुप्त और चंद्र गुप्त। नहीं नहीं कामायनी, कामायनी में जी कामायनी में मनु श्रद्धा ईडा। आप देखिए कामायनी के तीन सबसे महत्वपूर्ण पात्र है, तीन पात्र है, तीन पात्र कामायनी में, यही एक श्रद्धा एक मनु, मनु को प्रतीक माना जाता है, हमारे मनुष्य का ही प्रतीक है, मानव का प्रतीक है, मन का प्रतीक है, मन का प्रतीक है मनु, मनु मन का, इसीलिए बता देंगे कामायनी की रूपक काव्य हेलीगरी रूपक अन्योक्ति, रूपक क्या है अन्योक्ति कहता है, अप्रस्तुत पर यानी जो अप्रस्तुत का प्रस्तुत पर आरोप करना ये रूपक है, अन्योक्ति हेलीगरी कहते हैं अंग्रेजी में, मतलब मनु मन का प्रतीक है, और श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, और ईडा बुद्धि का प्रतीक है। आप देखिए ये तीनों का एक साथ चलना है, ये भी एक त्रिकोण है, आप देखिए जब आपके पास बुद्धि है लेकिन आपका हृदय पक्ष शून्य है, हृदय नहीं है, जैसे हमारे शासक होते हैं हृदय नहीं है, आपके पास हृदय है बुद्धि नहीं है, क्या फायदा। इसीलिए एक लंगड़ा है एक अंधा है, अगर बुद्धि सिर्फ बुद्धि को लेकर चलने वाला है वो एक प्रकार से अंधा है, सिर्फ हृदय को लेकर चलने वाला वो लंगड़ा है, इसीलिए मन को इन तीनों का साथ साथ चलना बहुत जरूरी है। मैं आपको कुछ बातें इसी कामानी से जुड़कर
कहना चाहता हूँ एकांत आपके लिए और भी कुछ सुविधा हो जाए समझने में। मित्रों आप देख रहे हैं हमारा स्क्रीन रामायणी देख रहे हैं ना? ठीक ठीक से देख रहे हैं ना? यस सर देख रहे हैं। ठीक है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको बहुत संक्षेप में रामायणी समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा काव्य है कि आपको घंटों तक बोलने से समझ में आएगा, लेकिन सार संक्षेप में मैं कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूँ। आदि मानव मनु की कथा इसमें कही गई है और इसकी जो कथा वस्तु है वेद उपनिषद पुराण आदि से प्रेरित है। हिंदू मुख्य आधार शतपथ ब्राह्मण को स्वीकार किया गया। कभी कभी आपके लिए यूजीसी नेट में परीक्षा में प्रश्न आएगा। रामायणी के आधार ग्रंथ आवश्यकता अनुसार पौराणिक कथा में परिवर्तन कर उन्होंने इसमें बहुत सारी कल्पनाओं को भी जोड़ दिया, अपनी ओर से इमेजिनेशन उन्होंने जोड़ दिया है। फिर आप देखें रामायणी में इतिहास भी है, कल्पना भी है, इमेजिनेशन भी है, हिस्ट्री भी है। इतिहास कल्पना और पुराण तीनों को उन्होंने जोड़ दिया। और रामायणी आप देखिए इसकी कथा में क्या है, पृथ्वी पर घोर जल प्लावन आया, प्रलय आया और सिर्फ देव जाति का एक मनुष्य मनु जीवित है। वो देव सृष्टि के अंतिम अवशेष थे। जल प्लावन समाप्त होने पर उन्होंने यज्ञ आदि करना आरंभ किया। एक दिन काम पुत्री श्रद्धा, असल में कामायनी का अर्थ क्या है बताइए, किसी आपकी परीक्षा में या कभी वाइवा में या किसी इसमें नेट परीक्षा में पूछ सकता हूं। कामायनी का अर्थ क्या है? कामायनी का अर्थ है श्रद्धा। श्रद्धा का दूसरा नाम है कामायनी। कामायनी के बारे में बताया गया है कि काम गोत्र जा, काम गोत्र में पैदा हुई है श्रद्धा, इसलिए उसका नाम कामायनी पड़ा है। कामायनी का अर्थ श्रद्धा ही है। और देखिए एक दिन श्रद्धा, जैसे कहीं श्रद्धा घूमने के लिए चली गई थी और उनका मनु के साथ मिलन होता है और दोनों साथ रहने लगे, बात करने लगे, दोनों अपने आप में आकर्षित हो जाते हैं और बीच में श्रद्धा गर्भवती हो जाती है। और फिर उसके बाद मनु उधर से थोड़ी सी ईर्ष्या होती है और मनु श्रद्धा को छोड़कर चला जाता है और मनु की भेंट मनु कहीं चला जाता है दूर एक सारस्वत प्रदेश में चला जाता है और वहां इड़ा नामक एक स्त्री से उनकी भेंट होती है। इड़ा असल में बुद्धि का प्रतीक है और सारस्वत प्रदेश का वो शासन कर रही थी और उसी ने आग्रह किया कि शासन में इनके सहायता करने के लिए और मनु वहां राजा बन जाता है और सारस्वत प्रदेश में शासन शुरू करता है। लेकिन प्रजा पर जिस तरह मनु का दबाव और वर्चस्व है, आधिपत्य है और मनु ने जिस तरह इड़ा पर, इड़ा से भी मनु प्रेम करना शुरू करता है, ये सब देखकर सारस्वत प्रदेश की प्रजा गुस्से में आ जाती है और वे विद्रोह करते हैं, मनु के खिलाफ युद्ध करते हैं और मनु घायल हो जाते हैं। और फिर कुछ समय बाद जैसे आद्यंत नाटकीय राह, फिर श्रद्धा किसी स्वप्न में श्रद्धा देखती है ये मनु का ये सब और श्रद्धा उधर पहुंचती है
और फिर श्रद्धा उसे मनु को आश्वस्त करते हैं और फिर मनु इसके बीच में श्रद्धा को मनु से एक पुत्र भी पैदा हुआ था, उसी पुत्र मानव को ईडा को छोड़कर वो दोनों कैलाश की ओर जहां शिव का वास है मानस सरोवर की ओर चले जाते हैं और वहां ये अपने को आनंद की ओर शांत की ओर या सो अहम जिसे कहा जाता है एक प्रकार से शैव शिवम में विलीन होने के लिए वे चले जाते हैं। ये कामायनी की संक्षिप्त रूप से मैंने 4-5 वाक्यों में कामायनी को आपके सामने रखा है और आप देखेंगे कि कामायनी के जो 15 सर्ग है, कामायनी के 15 सर्ग हैं और कामायनी की कथा का एक एक सर्ग चिंता आशा श्रद्धा काम वासना लज्जा ये सब एक प्रकार से एक मनोवैज्ञानिक और हमारे मनोविकारों को सूचित करने वाले शब्द हैं। और दूसरी ओर कामायनी की विशेषता मैं बताऊंगा, आधुनिक संदर्भ में सारस्वत प्रदेश की प्रजा जिस बुद्धिवादिता और बौद्धिकवादिता से त्रस्त है वही आधुनिक युग की स्थिति है। कामायनी अपने रूपगत में एक मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक मंतव्य को प्रकट करते हैं और मनोमन का प्रतीक है, श्रद्धा ईड़ा हृदय और बुद्धिपक्ष का प्रतीक है। अपने आंतरिक मनोविकारों से संघर्ष करता हुआ मनो श्रद्धा विश्वास की सहायता से आनंद लोक तक पहुंचता है। प्रसाद ने समरस का सिद्धांत को तथा समन्वय मार्ग का प्रतिपादन किया है और अंतिम 4 सर्गों में प्रतिपादित दर्शन पर शैवागम का प्रभाव है। यानी आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा, कामायनी का मूल दर्शन क्या है? कश्मीरी शैव दर्शन है, फिर दूसरा शब्द बताया गया है प्रत्यभिज्ञा दर्शन, प्रत्यभिज्ञा दर्शन। और कामायनी जैसे आप देखेंगे कि बहुत लंबे समय की कृति है, यहाँ से प्रसाद ने कामायनी लिखे हैं उसी जगह मुझे जाने का मौका मिला था, प्रसाद के घर में और प्रसाद की दुकान में। आप जानते हैं प्रसाद एक दूसरे नाम से छद्म नाम से जाने जाते हैं, वो नाम क्या है आप जानते हैं? क्या नाम है? प्रसाद के लिए एक दूसरा नाम है, क्या नाम है? तुंगनी साहू, तुंगनी साहू तुंगने का व्यापार करता था तंबाकू वगैरह, और उसी दुकान में भी मुझे, वो काशी में है, मुझे एक बार जाने का मौका मिला था और प्रसाद ने जहाँ से दुकान से और अपने घर से ये कमानी लिखते थे और घर में भी मुझे एक बार जाने का मौका मिला था काशी। और आप देखिए टेलीफिक्स में कामायनी प्रकाशित होती है, इंदा से आनंद तक 15 सर्ग हैं और मानव मन की विविध अंतर्वृत्तियाँ इसमें हम देख सकते हैं। और दूसरी ओर मनुष्य की विकास की कहानी प्रसाद ने इसमें बताई है और छायावाद की भी, छायावाद को उपनिषद बताया जाता है। चांदप्रिय द्विवेदी नामक एक विद्वान ने, चांदप्रिय द्विवेदी नामक एक आलोचक ने ये बताया है कामायनी छायावाद का उपनिषद है, छायावाद का उपनिषद है कामायनी। कामायनी को, कामायनी के बारे में बहुत सारे आलोचकों ने बहुत सारी बातें बताई है। कामायनी एक प्रकार से एक फैंटेसी बताया है, किसने बताया है फैंटेसी? मुक्तिबोध, मुक्तिबोध ने कामायनी के बारे में ये बताया है जीवन की पुनर्रचना है, कामायनी जीवन की पुनर्रचना है। और रमेश कुंदल में नामक एक आलोचक है, उन्होंने ये बताया है कामायनी यूटोपिया है, एक असंभव्य चीज, एक यूटोपिया है। और कुछ ने ये भी आरोप लगाया है, बच्चन सिंह जैसे मार्क्सवादी आलोचक ने, कामायनी युग चेतना से असमृत रचना है। और इस प्रकार हम देखेंगे कामायनी पर बहुत सारी बातें बताई गई हैं और लेकिन आखिरी रूप से
कामायनी को चिरंतन मानवता की विजयनी गाथा के रूप में कामायनी की चर्चा की जाती है और कामायनी की एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आप देखिए कि ये देव जाति के लोगों ने चिर किशोर वय जीवन बिताया है, नित्य विलासी जीवन बिताया है और अपने आप में आत्म विभोर। आप देख रहे हैं जब भी हमारे यहाँ भी प्रलय हुआ था, प्रलय होने का मतलब मनुष्य का प्रकृति पर अतिक्रमण करना है, मनुष्य का सब कुछ भूल जाना है, मनुष्य का विलासिता का जिस तरह हमारा समाज कंस्यूमर सम उपभोक्तवाद उपभोग संस्कृति भोग विलास काम विलास इसमें मग्न है उसकी प्रकृति की प्रतिक्रिया और प्रकृति ऐसे अधिकार को सहन न कर सकती है, उसने अपना प्रतिशोध ले लिया, प्रलय के रूप में प्रतिशोध ले लिया और देव दृष्टि का विनाश होता है और मनु केवल देव जाति का एक ही व्यक्ति जीवित रहता है वो मनु है। और आप देखिए देव सृष्टि के विध्वंस पर जिस मानव जाति का विकास हुआ उसके मूल में फिर चिंता है। आज भी हम देख रहे हैं मनुष्य चिंता से परेशान है, क्या आप बता सकते हैं कोई भी ऐसा आदमी है जो चिंता रहेगा? कोई भी आदमी चिंता रहित नहीं है। मनुष्य के लिए सबसे बड़ी चीज जब भी कोई बच्चा पैदा होता है वो रोते रोते पैदा होता है, मनुष्य के लिए जब बड़ा बड़ा होता है चिंता बढ़ती रहती है, लेकिन फिलोसॉफिकल दृष्टि से मनुष्य चिंता से लेकर आनंद की ओर यात्रा करते हैं, परमानंद की प्राप्ति के लिए, वो मोक्ष के लिए, परमानंद के लिए, सच्चिदानंद के लिए यात्रा का प्रयाण जारी रखते हैं, ये हम देख रहे हैं। और चिंता के अतिरिक्त मनु में देवी एक और देवी प्रवृत्ति है, दूसरी और आसुरी प्रवृत्ति है। देखिए देव जाति का आदमी है इसलिए उनके अंदर ही अंदर एक और देवी प्रवृत्ति है, लेकिन दूसरी ओर आसुरी प्रवृत्तियों का भी एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और इसीलिए उनमें एक और आशा है, श्रद्धा है, लज्जा है, इरा का आविर्भाव है, दूसरी ओर काम वासना है, ईर्ष्या है, संघर्ष भी है। ये सब ऐसी विरोधी प्रवृत्तियां हैं, इन दोनों का संघर्ष चलता है और कभी कभी उनमें इन विरोधी प्रवृत्तियों से एक वैराग्य निर्भेद जाग उठता है, लेकिन श्रद्धा उसे रास्ता दिखाती है, श्रद्धा रास्ता दिखाती है, वो उसे दर्शन पद पर दर्शन का रहस्य उसे मालूम करवाता है और आनंद की ओर उसे ले चलती है। और चिंता से आनंद तक मानव के मनोवैज्ञानिक विकास का क्रम है। आप देखेंगे मनुष्य के लिए मनुष्य की यात्रा चिंता से शुरू होती है और उनका ये चाहते क्या है, आनंद चाहते हैं, इसीलिए एक प्रकार से रूपक के माध्यम से मनुष्य के लिए श्रद्धा चाहिए। जब बुद्धि की अधिकता होती है, बुद्धि की अधिकता होती है तो वो सिर फिरा रहता है, इसीलिए सारस्वत प्रदेश की प्रजा मनु के खिलाफ संघर्ष करता है, युद्ध करता है। और आप देखेंगे इदा पर बुद्धि पर जब बुद्धि को वो आलिंगन करता है मनु, बुद्धि का इदा का आलिंगन करना सिर्फ काम वासना नहीं है, काम वासना से भी बढ़कर बुद्धि का मनुष्य सिर्फ यानी कोई भी शासक जब बुद्धि का आलिंगन करता है इसका मतलब प्रजा का नाश। जब शासक का हृदय पर शून्य होता है, शासक का हृदय पर शून्य होता है तो वो एक प्रकार से बुद्धि शून्य होता है। और श्रद्धा के प्रभाव से पशुपालन, कृषक जीवन, इड़ा के सहयोग से सामाजिक औद्योगिक क्रांति, आप देखिए ये सब मनुष्य के लिए मनुष्य का जीवन का इतिहास है। आदि मानव जब यहाँ तक हम आधुनिक और उत्तर आधुनिक होते गए किस तरह परिवर्तन होता गया है वो हम इसमें देखते हैं।
इसीलिए कामायनी मनुष्य की विकास गाथा है, मनुष्यता की विकास गाथा है, मानव राशि की विकास गाथा है, औद्योगिक क्रांति बौद्धिक विकास ये सब, इसीलिए मानव का सांस्कृतिक और औद्योगिक विकास की गाथा के रूप में कामायनी को देखना चाहिए। मानव जाति के उद्भव और विकास की कहानी कामायनी है। प्रसाद इस काव्य के प्रधान पात्र मनु और कामपुत्री कामायनी श्रद्धा को ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में माना है, साथ ही जल प्लावन की घटना को भी एक ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया है और सदाभक्त ब्राह्मण इसका आधार है उसे भी स्वीकार किया है। यानी जो ये कामायनी की भूमिका में खुद प्रसाद ने बताया भी है। आज साहित्य में मानवों के आदि पुरुष मनु के इतिहास वेदों से लेकर पुराण और इतिहासों में बिखरा हुआ मिलता है। श्रद्धा और मनु के सहयोग से मानवता के विकास की कथा को रूपक के आवरण में चाहे पिछले काल में मान लेने का वैसा ही प्रयत्न हुआ हो जैसा कि सभी वैदिक इतिहासों के साथ निरुक्त के द्वारा किया गया, किंतु मनुंदर के अर्थात मानवता के नवयुग के प्रवर्तक के रूप में मनु की कथा आर्यों की अनुश्रुति में दृढ़ता से मानी गई है। इसलिए मनु को ऐतिहासिक पुरुष मानना उचित है, ये प्रसाद का कथन है कामायनी महाकाव्य की भूमिका में उन्होंने बताया। लेकिन उन्होंने ये भी मान लिया है उन चरित्रों के साथ भावनाओं का भी बीच बीच में संबंध लगा हुआ सा दिखता है और घटनाएं कहीं कहीं अतिरंजित सी भी जान पड़ती है, यानी अतिशयोक्ति पर सत्य के संग्रहण गाड़ी तर्क बुद्धि को ऐसी घटनाओं को रूपक आरोप कर लेने की सुविधा हो जाती है। ये प्रसाद ने अपने कामायनी की भूमिका में बताया है और उन्होंने ये भी स्वीकारा है यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है ये मनुष्यता का मनोवैज्ञानिक इतिहास बनने में समर्थ हो सकता है। ये कामायनी की भूमिका में प्रसाद ने बताया है। अब देखिए मनोवर्ण कथानक को ऐसा स्वरूप प्रदान किया मनु श्रद्धा के रूप की संगति भली बनती है और हम आगे देख रहे हैं कि मनु मन का प्रतीक इसलिए भी बताया गया है हमारा मन चंचल रहता है अस्थिर मती है मन चंचल होता है मनु चंचल है। मनु देखिए सारे प्रलय को देखकर मनु का मन मस्तिष्क चंचल होता है और फिर गंधर्व प्रदेश की स्त्री श्रद्धा जब टहलने आती है तो उसी से मिलना होता है। श्रद्धा के सौंदर्य को देखकर श्रद्धा के सौंदर्य का बहुत सुंदर चित्रण प्रसाद ने किया श्रद्धा के नीला परिधान बीच सुकुमार यानी जैसे बिजली के फूल की तरह श्रद्धा श्रद्धा का कोमल कोमल अंगों का वर्णन प्रसाद ने किया। श्रद्धा को देखकर इसी कोमल स्त्री को देखकर श्रद्धा विश्वास का प्रतीक है श्रद्धा स्त्री का प्रतीक है स्त्री को श्रद्धा के रूप में प्रसाद ने चित्रित किया। नारी केवल फेमस कोटेशन आप सुने होंगे नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पग तल में पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में नारी केवल श्रद्धा हो विश्वास का प्रतीक हो जीवन के सुंदर समतल में बहा करने का आह्वान प्रसाद ने किया है। एक तपस्वी के जीवन से लेकर मनु यात्रा शुरू करती है श्रद्धा की प्रेरणा से तपस्वी का जीवन त्याग कर प्रेम और प्रणय श्रद्धा सिखाती है श्रद्धा खुद बताती है मनु को प्रेरणा देती है औरों को हंसते देखो मनु हंसो और सुख पाओ अपने सुख को विस्तृत कर लो यानी इस प्रकार दुखी होकर बैठने से कोई फायदा नहीं है जीवन में प्रेरणा पुरुष प्रेरणा देना श्रद्धा का काम है श्रद्धा प्रेरणा देती रहती है। फिर असुर पुरोहित आगुली किलाद के बहकावे में आकर हिंसा वृत्ति पशु बलि की ओर मनु प्रवृत्त होता है।
साधन के वशीभूत हो श्रद्धा का सुख साधन निवास छोड़ जिंजा समीर की वांधी भरत तेरे सारे सुख प्रदेश पहुंचते हैं श्रद्धा के प्रदीप मनु के दुर्व्यवहार से छूट काम का विषाद सुन हताश को सुन कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। यानी श्रद्धा के प्रति अन्याय करता है मनु क्योंकि गर्भवती श्रद्धा को छोड़कर मनु चला जाता है। जब ईड़ा को देखता है ईड़ा उनको आकर्षण देता है ईड़ा से वो प्रणय का प्रणय करना शुरू करता है आलिंगन करता है ईड़ा से वो प्रेमबद्ध हो जाता है और संयम का भाव दिखाई देता है ईड़ा पर अत्याचार कर बैठते हैं प्रजा से उनका संघर्ष होता है। कहां सारस्वत प्रदेश में इस संघर्ष में मनु बुरी तरह से पराजित होता है घायल होता है विक्षिप्त होता है मानसिक रूप से वो विरक्त हो जाता है और फिर श्रद्धा फिर हमारे पिक्चर पर आ जाती है और उनका अदर प्रदर्शन करती है। वो अपनी पत्नी को पकड़ पुत्र को देखकर प्रसन्न हो जाता है लेकिन श्रद्धा समझती है इसे यहाँ नहीं रुकना है और उसे लेकर फिर चला जाता है कहाँ मानसरोवर की ओर। तो हम वो मुक्ति का ज्योतिर्लिंग देखता है और इस प्रकार श्रद्धा आस्थे के भाव इधर बौद्धिक सुंदर का मनु के मन पर जो प्रभाव पड़ता है उसका सुंदर विश्लेषण हमारे इस काव्य में देख सकते हैं। आप देखिए कामायनी के सर्गों का नाम कितना बहुत ही मनोवैज्ञानिक है ये बहुत ही अलंकारिक दिया गया है ये देखने योग्य। आप देखिए कामायनी के जो 15 सर्ग हैं चिंता आशा श्रद्धा काम ये सब एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक भी है फिलोसॉफिकल भी है। लज्जा कर्म ईर्ष्या ईडा स्वप्न संघर्ष निर्वेद दर्शन रहस्य आनंद देखिए आप इंदा की आशा से श्रद्धा ने काम वासना को लज्जित किया कर्म की ईर्ष्या से स्वप्न निद्रा। और आप देखिए जो कामायनी की जो मूल संवेदना को आप देखिए इतना चिंतन प्रदान तब नहीं कि तब नहीं केवल जीवन सत्य है जीवन में प्रेम की महत्ता को और आनंद की महत्ता को कल्याण की महत्ता को घोषित किया है। कल्याण भूमि में प्रेम ही एकमात्र श्रेय और प्रेय है इसी प्रेम का संदेश देने के लिए कामायनी का सृजन हुआ है। और कामायनी में समरसता का आग्रह है समरसता जीवन में द्वंद भावना में सामंजस्य स्थापित करना है राग और विराग के बीच इच्छा ज्ञान और क्रिया के बीच संसार में बुद्धि और हृदय के बीच जिस तरह का सामंजस्य समरसता स्थापित करना है द्वंद्वों का उद्गम शाश्वत होता है। फूल के साथ कांडे भाव के साथ अभाव सुख के साथ दुख यातन के साथ दिन नित्य लगा ही रहता इन दोनों के बीच हमें सामंजस्य ढूंढना पड़ता है समरस ढूंढना पड़ता है। मानव इनमें अपनी रुचि के अनुसार एक को चुन लेता है दूसरे को छोड़ देता है यही इसके विषाद का कारण है। अब देखिए विषाद का कारण क्या है हम चिर सुख चाहते हैं दुख मिलता है तो विषाद आता है। अब देखिए जीवन में विरोधी प्रवृत्तियों का सामंजस्य है विरोधों को द्वंद्व को हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा द्वंद्वों के बीच समन्वय की स्थिति सामंजस्य है। प्रसाद ने हृदय और मस्तिष्क भक्ति और ज्ञान सब संयम और प्रणय प्रेम इच्छा ज्ञान और क्रिया सबके समन्वय पर बल दिया है ये कामायनी का सार तत्व है। कामायनी में आप देखेंगे कि इस प्रकार के सार तत्वों पर प्रसाद ने बल दिया है और मुझे लगता है कि कामायनी पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि मुझे बताने के लिए लेकिन वो सब अभी बताना बहुत मुश्किल है कि कामायनी पर जैसे प्रतीकात्मकता है रूपक तत्व है। मैं आपको कामायनी के जैसे आप जानते हैं कि श्रद्धा मनु इन सबको छोड़ कर भी
ऐसे ही बहुत सारे प्रतीक इसमें आते हैं। मनु श्रद्धा कुमार, मनु श्रद्धा कीड़ा और कुमार है, कुमार है इनका पुत्र है, श्रद्धा का पुत्र है, वो एक प्रकार से तीनों गुणों से युक्त नव मानव का प्रतीक बन जाता है। तीनों गुणों से जैसे हृदय पक्ष, बुद्धि पक्ष और मन की चेतना, तीनों गुणों से युक्त ये नव मानव का प्रतीक कुमार बन जाता है। और किलात आगुली जो असुर है, मन की दुष्प्रेरणाएं जो पाप हिंसा संघर्ष की सहायता है, देव इंद्रियों का निर्बाध विलास का प्रतीक है, इंद्रियों का निर्बाध विलास का प्रतीक है। जलप्लावन, जलप्लावन इंद्रियों की अधिलिप्सा का दुष्परिणाम, इंद्रियों की अधिलिप्सा का दुष्परिणाम जलप्लावन है। मानव सरोवर समरसदार का प्रतीक है। अन्नमय कोष से आनंदमय कोष की ओर चेतना की यात्रा है, अन्नमय कोष से आनंदमय कोष की ओर, आनंदमय कोष की ओर चेतना की यात्रा मानव सरोवर है। श्रद्धा का पशु, श्रद्धा पशु को पालती है, श्रद्धा का पशु अहिंसा और करुणा का प्रतीक है। एक इस प्रकार आप देखेंगे कैलाश पर्वत आनंदमय कोष का प्रतीक है, आनंदमय कोष का प्रतीक है। और इस प्रकार कामायनी पूरा का पूरा प्रतीकों से, रूपकों से बना हुआ है कामायनी महाकाव्य। आप देखेंगे कि ये प्रसाद की बहुत ही विलक्षण कृति है, प्रसाद की विलक्षण कृति है। इसमें एक प्रकार से जीवन का अर्थ, जीवन के अर्थ ढूंढने का प्रयास किया गया है। कामायनी हमरस्ते जड़ या चेतन सुंदर साकार बनाता, चेतना एक विलस्ती आनंद अखंड बनाता। यानी जड़ और चेतन के बीच सुंदर साकार एक प्रकार से समरसता और अंतिम दौर पर दोनों को लगता है, जैसे मानसरोवर में कैलाश पर्वत में एक ही चेतना, एक ही आनंद की चेतना दिखाई देता है। ये कामायनी की खासियत है। प्रसाद ने ये बताया है मानव चेतना के विकास के संदर्भ में, चेतना का सुंदर इतिहास, अखिल मानव भावों का सत्य, विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों में अंकित हो नृत्य, ये प्रसाद ने बताया है। प्रसाद ने जिस तरह काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर जो आप देखेंगे, चार पांच पॉइंट में आपको बताना चाहूंगा। एक पवित्र प्रेम है, पवित्र प्रेम है, समुद्र का चित्रण है, भव्य देश प्रेम है, सौष्ठवपूर्ण मानवता प्रेम है, मर्मस्पर्शी वेदनामय अनुभूति है, अद्भुत प्रकृति चित्रण है, नारी के प्रति आदर्श दृष्टिकोण है, भारतीय संस्कृति के प्रति प्रकांड प्रेम है। ये कवि मनीषी प्रसाद ने दर्शाने का प्रयास किया है। और आप देखेंगे कि प्रसाद की प्रतिमा एक प्रकार से कामायनी के बारे में ये बताया गया है, ये आशा का काव्य है, आस्था का काव्य है और मानवता का महासागर है, चिरंतन मानवता की विजय यात्रा है, मनुष्यता की विजय यात्रा, मानव की जय यात्रा कामायनी है। तमसोमा ज्योतिर्गमया कामायनी का मूल मंत्र है। क्या यानी भोग से त्याग की ओर, भोग से त्याग की ओर, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, चिंता से आनंद की ओर कामायनी की यात्रा है। विश्वात्मवाद, विश्व मानववाद, दुख दग्ध जगत और आनंदपूर्ण स्वर्ग का एकीकरण कामायनी में आप देख सकते हैं। विरह से मिलन की ओर, दुख से आनंद की ओर कामायनी है। कामायनी एक महाकाव्य है, महाकाव्यत्र है कामायनी की, ऐतिहासिक विवृत है। कामायनी एक दार्शनिक रचना है, कामायनी एक रूपक तरह की रचना है, कामायनी एक प्रासंगिक रचना है। और पुराण को इतिहास और कल्पना के रंगपट पर आज के प्रसंग में, आज के कैनवास में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मानवीय संस्कृति के आधुनिक संकट को प्रसाद ने कामायनी के माध्यम से पहचाना है। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद है। प्रसाद की शब्दावली में
कर्म का भोग, भोग का कर्म ही जड़ का चेतन आनंद है, अधि बौद्धिकता अधि आंतरिकता अधि बौद्धिकता के खतरे की ओर प्रसाद ने संकेत किया है, जिसका परिणाम हम आज भी प्रलय के माध्यम से भोग रहे हैं। यानी एक प्रकार से कर्म का संदेश हमें मिल जाता है, जीवन की पुनर्रचना कामायनी है, कामायनी जीवन की पुनर्रचना है। मनु श्रद्धा और ईडा प्रेम का परंपरागत त्रिकोण नहीं है, पर नई मानवीय रचना की जटिल प्रक्रिया का माध्यम बन जाते हैं। सबसे बड़ा साक्ष्य ही है श्रद्धा और ईडा दोनों एक दूसरे से ईर्ष्या न करके एक दूसरे के प्रति गहरा सम्मान भाव रखती है। आपको देखना है ईडा और श्रद्धा के बीच संघर्ष नहीं होता है, क्योंकि दोनों स्त्रियां जब मिलती हैं संघर्ष होना स्वाभाविक है, लेकिन कभी संघर्ष नहीं होती है। दोनों एक प्रकार से एक दूसरे से ईर्ष्या न करके एक दूसरे गहरा सम्मान भाव रखती है। और इस प्रकार हम कामायनी में आदि से अंत तक एक रागात्मक वृत्ति, एक प्रकार से आप देखेंगे श्रद्धा विश्वास समन्वित रागात्मक वृत्ति का प्रतीक है, तो ईडा व्यावसायिक बुद्धि का प्रतीक बन जाते हैं। रामायणी काव्य की रचना प्राकृतिक भाव भूमि पर की गई है, यदि भी उसमें एक दार्शनिक तथ्य निर्देश भी हुआ है। और कामायनी का प्रकृति चित्रण, कामायनी में एक प्रकार से प्रकृति का भयावह चित्रण भी मिल जाता है, प्रकृति का सुंदर चित्रण भी मिल जाता है। कामायनी एक प्रकृति का भी महाकाव्य है और मनुष्य का भी महाकाव्य है और मानवीय रागात्मक वृत्ति का महाकाव्य है, मनोवैज्ञानिकता का महाकाव्य है और मनुष्य की संवेदना का, मनुष्य के स्वप्न का, मनुष्य की फैंटेसी का, मनुष्य की यूटोपिया का महाकाव्य बन जाता है, मनुष्य की एकांत का, मनुष्य की अद्वैत का, मनुष्य की दार्शनिकता का, मनुष्य की एक प्रकार से लक्ष्य की मोक्ष की एक महाकाव्य, मनुष्य की कुतूहलता का, मनुष्य की जिज्ञासा का महाकाव्य कामायनी बन जाती है। इसमें मिथक है, मिथक भी है, स्वप्न भी है, इतिहास भी है, कल्पना भी है, यथार्थ भी है और जीवंत का भी है। ये कामायनी का सार है। कामायनी में अन्योक्ति है, एलिगरी है, रूपक है, अलंकार है और इसमें कामायनी में जीवन की नैतिकता है, जीवन की सामाजिकता है, जीवन की वैज्ञानिकता है, जीवन की बौद्धिकता है, जीवन की व्यावसायिकता है, जीवन की व्यापारिकता है, जीवन की मनोवैज्ञानिकता है और जीवन का सच्चा अनुभव कामायनी में मिल जाता है। और मनुष्य जिस तरह अपनी तमाम संघर्षों के बाद मनुष्य जीवन के कैलाश पर चढ़ जाता है, जीवन यथार्थ के कैलाश पर चढ़ जाता है और अंत में हम जीवन का मोक्ष, जीवन का आनंद प्राप्त कर लेते हैं, इसका सुंदर उदाहरण हमें कामायनी में मिल जाता है। मुझे लगता है मैं कामायनी पर जितना भी बहस करूं अधूरा रह जाएगा। मुझे लगता है कि आप लोगों का जो भी डाउट है उसका मैं स्वागत करना चाहूँगा, क्योंकि ये ऐसे ही काव्य है कामायनी और मुझे इसमें भी जैसे निराला की जो कविताएं हैं वो भी मैं पूरा आपके साथ प्रस्तुत नहीं कर पाया। मैं जानता हूँ कि वो भी एक प्रकार से इधर उधर से कुछ मैंने बोल दिया था, वो भी सरोजिनी मुंडी विरह काव्य है, मैं शोक गीत हैं, अपनी पुत्री सरोज की मृत्यु पर लिखी गई कविता है, लेकिन उन्होंने इसमें रूढ़ियों का विद्रोह दिखाया है, रूढ़ियों का विद्रोह अपनी क्रांतिकारी प्रवृत्ति भी दिखाया है। आपसे मैं अनुरोध करता हूँ कि आप कृपया मुझे प्रश्नों के बौछारों से परेशान करें और मुझे प्रश्न करके मुझे आप तंग करें, ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपके प्रश्नों का मैं स्वागत करूँगा। अगर आप कामायनी का मैंने एक प्रकार से एक आपको एक विहंगम दृष्टि आपके सामने रखी है कि मुझे लगता है कि आप इधर उधर से कुछ समझ गए होंगे कामायनी के बारे में, और आप अगर जैसे कामायनी और निराला को लेकर कोई भी प्रश्न आपको रखना है, आपकी जिज्ञासा है, तो आप रख लीजिए, मैं स्वागत करता हूँ।
आप बोलिए तो मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता है। वेलकम, मोस्ट वेलकम। हाँ आइए। आप लोग सोए तो नहीं है? तो भैया जी हेलो, आवाज आ रही है? सर यस सर, इट्स क्लियर। आप बताइए, आपका अनुभव बताइए, आपको क्या लगा? अब ये घंटे से आप सुन रहे थे, इन्हें आप कैसे, किस तरह आप, क्या आप कहां तक संतुष्ट हैं, आप क्या और चाहते हैं बताइए। सर कहानी तो पूरी तरह समझ में आया, मैं तो तब पुस्तक देख रही थी तो बहुत कुछ न्यू वर्ड्स हैं, मैं बस उसे ही देख रही थी। अच्छा, टेक्स्ट देख रही थी? यस सर, सो मेनी न्यू वर्ड्स, सो मैं उनको ही रिकाइट कर रही थी। आप देखिए, मेरी सीमा यही है जी, एक एक चार चार पंक्तियों को लेकर एक घंटा में बोल सकता हूँ जी, लेकिन अभी देखिए इतना बड़ा महाकाव्य है और उसमें इतनी सारी प्रवृत्तियां हैं, इन सबको समेट कर थोड़ी सी देर में, आप देखिए ये असंभव चीज है, लेकिन मैंने कोशिश की है इसके जितने भी महत्वपूर्ण पक्ष है उसे एक नटशेल में आपके सामने रखने का बहुत ही, मुझे पता नहीं सफल या असफल प्रयास किया जी ने, कहानी की दृष्टि से एक भी कुछ भी डाउट ही नहीं है, इट्स सो क्लियर, आई एम जस्ट रीडिंग अ न्यू थिंग, न्यू वर्ड्स हियर सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, सो क्लियर, थैंक यू सो मच सर। ओके, और yes, कोई बताइए, कोई आपका, आपकी जिज्ञासा क्या है, आपकी आशंका प्रभावती? प्रभावती आपको क्या लगा है, अभी एक घंटे से आप सुन रही थी? हेलो सौरभ जी, सौरभ सर, आपने इतने बड़े महाकाव्य को सर एक घंटे में मतलब उसका सारांश बता दिया जी, उसका मतलब सारा कुछ बता दिया सर, मतलब काफी हद तक मतलब सब कुछ समझ में आ गया। हाँ जी, इसमें इसमें हाँ जी, बोले, इसमें जो है कहीं ना कहीं ये दिखाया गया है कि मनु जो है एक आधुनिक आधुनिक काल में भी देखा जाए, आज के समय में भी देखा जाए, तो उतनी ही प्रासंगिक कविता है, मतलब ये कहानी है, जितनी कि उस समय जब जी। हाँ बोलिए। मनुष्य मतलब हमेशा महत्वाकांक्षी है और एक उसकी इच्छाएं अनंत हैं, वो मतलब एक पहले उन्होंने जो है श्रद्धा को देखा, उसके बाद जब श्रद्धा जो प्रेग्नेंट हो गई या गर्भवती हो गई तो उनकी जो है वृत्ति थोड़ा सा चेंज हुआ, फिर वो उसको छोड़ के चले गए। एक्सैक्टली, आई एम वेरी वेरी हैप्पी सौरभ जी, अभी आप देखिए आपने एक्सैक्टली सही कहा, जैसे हम आज का जो मनुष्य है जितना अम्बिशियस है, महत्वाकांक्षी है, जितना अम्बिशियस है, वो अम्बिशियस आदमी, हम जैसे अम्बिशियस आदमी, उसी आदमी को हम देख रहे हैं, और जब श्रद्धा को देखा, श्रद्धा के प्रेम ने उसको वशीभूत कर लिया और वो गर्भवती बन जाती है, तो उसे छोड़कर चला जाता है, बुद्धि के चक्कर में आ गया। बुद्धि के चक्कर का मतलब बुद्धि है, पैसा है, अधिकार है, पावर है, सत्ता है, जब पावर के साथ जुड़ा रहता है मनुष्य अन्याय करना शुरू करता है। अब देखते हैं हमारे शासक जो है, जब उनको पावर मिल जाता है तब तक इतने हृदय पक्ष उनके पास है, जब पावर मिल जाता है हमारे ऊपर ही अन्याय करते हैं। आप किसी भी सरकार को ले लीजिए, किसी भी शासक को ले लीजिए, जब पावर मिल जाता है और हमें लगता है कि ये गलत आदमी है शासक को,
और वही हुआ सारस्वत प्रदेश में, ईडा के साथ ये जब राजा बन जाता है तो प्रजा विद्रोह करती है, प्रजा इसके खिलाफ हो जाते हैं, इसीलिए हम 5-5 साल के बाद एक एक शासक को अपने अधिकार से छीन कर फेंक देते हैं। बिल्कुल सही आपने बताया, एकदम रेलेवेंट पॉइंट आपने बताया सर, मैं बहुत ही प्रभावित हूँ आपसे सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। जी जी बिल्कुल जी, धन्यवाद जी। और कोई ऐसा डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। आप देखिए ये कहानी सादा काव्य नहीं है, इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी पोयम। इसके जितने भी डायमेंशंस हैं, आप कंज्यूमरिज्म के संदर्भ में, ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में, और आज के पॉलिटिक्स के संदर्भ में, डेमोक्रेसी के संदर्भ में, और स्त्री फेमिनिज्म के संदर्भ में, इसका इवेल्युएशन आप कर दीजिए। मैंने खाली इसका पेरिफेरल तौर पर बोलने का प्रयास किया है, क्योंकि गहराई से जाने के लिए अभी हमारे पास टाइम नहीं है। और कौन बोलेगा? अभिषेक भाई, अभिषेक जी। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार भाई, बोलिए सर। मैं सिर्फ सुन ही रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, आप देखिए अभिषेक, क्लास है ना सर, आपने आपने सच्चा बताया, सच्ची बात बताई है, क्योंकि इस काव्य को ये क्लास में समझना मुश्किल है, असंभव है, क्योंकि सर मैंने पहले से इसको पढ़ा भी नहीं है। हाँ इसीलिए है, एक बार पढ़े तो आपको आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत मीनिंगफुल काव्य है। इसके जितने भी डायमेंशंस है उसे समझने के लिए हमें गहराई से, जिन्हे ढूंढा तिन्हे पाइया, गहरे पानी पैटी, कबीर का दोहा है, जिन्हें ढूंढा तिन्हे पाई, गहरे पानी में पैट कर डूब कर, जब समुद्र के किनारे बैठते हैं हम वैसे मूंगफली खा सकते हैं या लहरों को गिन सकते हैं, लेकिन गहरे पानी में डूब कर अंदर अंदर जाएंगे, हमें सीपी मोती सब मिल जाएगा। इसीलिए साहित्य ऐसा है, गहरे पानी में पैटना पड़ता है, गहराइयों डूबना पड़ता है। थैंक यू सर। ठीक है, ओके सर, ठीक है अभिषेक, ठीक है। हाँ और कौन बोलना चाहता है? सर जो एक घंटे में आपने इस कामायनी की कहानी के ऊपर एक संक्षेप में बताए थे जी, वो ठीक है सर, लेकिन एग्जाम के व्यू में एटलीस्ट दो दो पेज लिखना पड़ेगा, तब और गहरा में हमें पढ़ना पड़ेगा सर, वो जो मेटेरियल दिए हुए हैं वो मेटेरियल से हमें पढ़ना पड़ेगा सर। मुझे मालूम नहीं आपके पास स्टडी मेटेरियल होगा शायद, लेकर आप गहराई में पढ़िए, ठीक है जी, तो आपको बिल्कुल इसका आइडिया मिल जाएगा। जी जी जी, असल में नोट्स पढ़कर इधर बैठना चाहिए, तभी क्या है प्रश्न करने के लिए आपके पास कुछ ऐसे मुद्दे रह जाएंगे, ठीक है, क्योंकि दिन में गामदार में चले जाते हैं सर, शाम के बाद क्लास में बैठते हैं, इसलिए समझ रहे हैं आपकी सीमा, समझ रहे हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए आप क्लास आपके क्लास खत्म होने के बाद अभी पढ़ने जाएंगे सर, पहले पढ़ते नहीं है। अच्छा अच्छा, अभी इसके बाद पढ़ने जाएंगे। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है ओके सर, धन्यवाद सर, ठीक है आपके क्लास बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। असल में मुझे भी दुख हो रहा है, इतने बड़े बड़े राइटर्स को इतने कम समय में बोलना, मैं निराला के बारे में मैंने जो भी आपको बताया है मैं इतना असंतुष्ट हूँ, क्योंकि बहुत गहरी बातें बताने के लिए रह गया है, टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। आगे हमें अगले क्लास में साकेत है या उर्वशी है और मुक्तिबोध और अज्ञेय रह गया, ठीक है, ये कल के लिए एक ही क्लास, धन्यवाद, एक ही क्लास बचा हुआ है। अगले क्लास में अभी देखिए मेरे लिए एक सर्कस है ये, अभी आप देखिए मैं कोशिश ये करूंगा आपको साकेत समझाने के लिए, और बाकी उर्वशी अज्ञेय और मुक्तिबोध इस पर बहुत संक्षेप में अगर जितना संभव हो पाएगा मैं बताने की कोशिश करूंगा, पहले आपको साकेत के बारे में बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, मुक्तिबोध कविता तो इधर नहीं है सर। जी जी, मुक्तिबोध कविता इधर नहीं है सर। मुक्तिबोध नहीं है क्या?
जी नहीं, इधर से छह ही हैं। ओ सॉरी सर, गजानन माधव मुक्ति बोल है, सॉरी 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 आप देखिए, मैं सच्चा ही बता देता हूँ जी। आपको मुक्ति बोध को एक भूमिका बांधने के लिए 2-3 घंटे चाहिए, ओ आगे पर कुछ समझाने के लिए कम से कम 2 घंटे चाहिए। ये ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा काव्य है, इसी जी पोर्शन को ये 3-4 घंटे में समेटना असंभव है। मैं कोशिश करूंगा, कल ये जो साकेत है, साकेत तो जल्दी समझ पाएंगे, इसलिए मैं साकेत से शुरू करूंगा। ओके सर, और बाकी जो है 3 पॉइंट है उन पर मैं संक्षेप से प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा, ठीक है? जी मैं भी और पढ़ कोई, लेती हूँ और कोई ताकि सुझाव? नए शब्दों को मैं ऐड लिख सकूँ, हाँ काव्य बिल्कुल, ऐसा आप कुछ। कोई मुझे सुझाव है तो मुझे बता सकते हैं आप, ठीक है? श्योर सर, थैंक यू सर। अभी अभी आपने पूरा कम्युनिकेशन पूरा हुआ ना, अभी कोई कट बीच में कट नहीं हुआ ना, जी नहीं, पूरा का पूरा सुन पड़ा है। यस सर, ओके थैंक यू, ओके थैंक यू बाय सर, बाय, है थैंक यू बाय, मिलते हैं नेक्स्ट, कल मिलते हैं, ओके थैंक यस सर, थैंक यू यू, सर, ओके बाय बाय, ओके बाय थैंक यू सर, वेरी वेरी थैंक यू सर, बाय बाय, कल मिलेंगे सर, कल मिलेंगे, कल मिलेंगे, ओके।